धौलपुर पुलिस के समक्ष मुठभेड़ के दौरान तीन राज्यों से फरार चल रहे 45,000 के इनामी को ज्ञात डकैत भारत गुर्जर ने उवासा जमुरा के जंगलों में पशवेरा राइफल और 14 जिंदा कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया। डकैत भारत गुर्जर राजस्थान के टॉप 10 अपराधियों में शुमार है, जिस पर तीन राज्यों की तरफ से 45,000 का इनाम घोषित है। SP मृदुल कछावा ने बताया कि पिछले 2 माह से धौलपुर पुलिस ने दस्युओं को गिरफ्तार करने के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चलाया था। डकैतों की धरपकड़ अभियान के दौरान पुलिस 2 दर्जन से अधिक इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी। पुलिस ने 50,000 का इनामी डकैत पप्पू गुर्जर भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा डकैत भारत गुर्जर, डकैत केशव गुर्जर, डकैत पप्पू गुर्जर के सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डकैत भारत गुर्जर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। हाल ही में पुलिस की DST टीम और बसई डांग थाना पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ डकैतों की हुई थी, जिस पर मुठभेड़ में भारत गुर्जर जंगलों में फरार हो गया था, लेकिन डकैत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के स्पेशल थाना प्रभारियों को जिम्मा सौंपा गया, जिसमें मनिया थाना प्रभारी परमजीत सिंह, बसईडाग थाना प्रभारी कैलाश गुर्जर, बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, सेफव थाना प्रभारी अनुप सिंह के साथ DST टीम के प्रभारी सुमन चौधरी को विशेष जिम्मा सौंपा गया। डकैत को गिरफ्तार करने की पुलिस ने मुखबिर तंत्र को भी पुलिस ने मजबूत किया था। बुधवार को पुलिस की DST टीम और बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि डकैत भारत गुर्जर उवासा के जंगलों में अपने साथियों सहित छुपा है। मुखबिर की सूचना पर डकैत को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया। भारी पुलिस बल को साथ लेकर उवासा के जंगल पहुंचकर डकैतों की घेराबंदी की गई। पुलिस को देख डकैत ने फायरिंग भी शुरू कर दी। इधर से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की शुरुआत की। करीब आधे घंटे तक पुलिस और डकैतों में फायरिंग का दौर चलता रहा। इस दौरान डकैत भारत गुर्जर ने अपने आप को घिरा हुआ देखकर पुलिस के ललकारने पर आत्मसमर्पण कर दिया। डकैत के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर राइफल के साथ 14 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। डकैत भारत गुर्जर पिछले 5 वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था, जिस पर संगीन वारदातों के 23 अभियोग दर्ज है। डकैत का वारदात क्षेत्र धौलपुर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला और भरतपुर और करौली जिला रहा है। डकैत को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। SP ने बताया कि अब चंबल के बीएडओ में डकैत केशव गुर्जर, डकैत राकेश डोयला, डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का पुलिस की राडार पर है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समाज धारा में उतरना चाहता हूं, घर खेती बाड़ी में काम करना चाहता हूं, किसान बनना चाहता हूं। दस्युओं का रास्ता क्यों चुना, क्योंकि बताया कि काफी दस्यु बने लेकिन उसके बाद अंजाम वही हुआ। झगड़ा हो गया नादनपुर के पास मोरी खनपुरा गांव में, उस रेंजेस की। अब आगे क्या चाहते हो? आगे सब मैं समाज धारा में उतरना चाहता हूँ, किसान। जैसा कि आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि पप्पू गुर्जर जो गैंग जो थी काफी समय से जो डांग क्षेत्र में सक्रिय थी, उसके काफी सारे सक्रिय सदस्यों को तथा पप्पू गुर्जर स्वयं एक कोर टीम का गठन हमने किया था, जिसमें कुल हमारे 6 सब इंस्पेक्टर्स और इसके अलावा हमारी रिवाटी की दो टीम है, जिसमें कॉन्स्टेबल विनोद, कॉन्स्टेबल मुकेश। देखो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो 15-20 साल में जो SP आए, विकास कुमार जी ने अच्छा काम किया, राहुल बगा जी ने अच्छा काम किया, तो उनके बाद में अगर कोई SP आए तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे तीनों जो SPOं का बहुत अच्छा कार्यकाल है। मुझे उम्मीद है कि जो जितने लोग जो गुंडे हैं, जो डकैत हैं, जो डांग में घूम रहे हैं, मैं जानता हूँ कि अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आप और हम सबका सहयोग रहेगा, थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत है। आप लोग भी क्या कि कभी कभी छोटी सी बात होगी और आप बहुत बड़ी बात उसको बना देते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। पुलिस काम करती है, अगर अच्छे काम करती है तो कोई एक आध काम गलत भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसका टूल बनाएगा ना ही उसको पुलिस के खिलाफ अपन लिखें। अगर अच्छा काम पुलिस कर रही है तो अपन को तारीफ करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप और हम सब की तरफ से कोरोना महामारी साहब को शुभकामना, कोरोना महामारी बहुत अच्छे से, और जो जितने और रह गए जो गुंडे आम जनता बिचाई जो डांग में वो बोल नहीं पाती है, गुंडे 1-2% लोग हैं, बकाया पूरी डांग नहीं है और पूरी कोई समाज गुंडा नहीं होती है। तो जो लोग हैं जो बकाया बचे हैं
और जो बेचारे जो ढंग के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो अब न्याय मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। एमएलए साहब, जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी फैल रही है उसमें पुलिस बॉर्डर ग्रुप में भी काम कर रही है, वहीं धौलपुर जिले की जो पुलिस है उसको दो जिम्मेदारियां, डस्सियों को भी पकड़ना है और ये भी करना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस में जाप्ता भी कम है, इसके लिए सरकार आपके इस समय क्या प्रयास करेंगे आपकी तरफ से? जो हमको SP साहब सुझाव देंगे सरकार की तरफ से, जो भी वो हमसे मदद मांगे हैं हम उनको सरकार तक भेजेंगे और SP साहब को जो भी चीज़ की जरूरत होगी हम